सिवनी में अतिवृष्टि के कारण किसानों की फसलों को काफी नुकसान हुआ है, जिसको देखते हुए प्रशासन ने फसलों की क्षति का आंकलन किया और बताया कि अधिकांश गांव में फसलों को 80% तक नुकसान हुआ है। अतिवृष्टि के कारण बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में फसलों के नुकसान का प्रशासन ने निरीक्षण किया। सिवनी कलेक्टर डॉक्टर राहुल हरिदास फटिंग के निर्देश पर प्रशासनिक अमला गांव-गांव जाकर किसानों के खेतों का जायजा ले रहा है। इस दौरान अपर कलेक्टर मूलचंद वर्मा किसानों के बीच पहुंचकर फसलों के हुए नुकसान का जायजा ले रहे हैं और पटवारियों से नुकसान का सर्वेक्षण करवा रहे हैं। अपर कलेक्टर ने खेतों के निरीक्षण के उपरांत माना कि सिवनी जिले के अधिकांश ग्रामों में मक्के की फसल में 60 से लेकर 80% तक की क्षति हुई है। प्राकृतिक आपदा में जो आंधी तूफान और अतिवृष्टि से खासकर इस आपके बंडोल सर्किल के इन ग्रामों में मक्का की फसल का जो नुकसान हुआ है, बाहर से देखने पर तो बहुत सारे पौधे खड़े दिख रहे हैं, अंदर जब हम जाके देखते हैं तो वो फसल पूरे के पूरे जो है ज़मीन पर लग गए हैं, टूट टूट करके गिर गए हैं। तो उस हिसाब से पटवारी का जो सर्वेक्षण हुआ है, उस सर्वेक्षण के आधार पर हम ये यहाँ के किसानों से इसलिए मिलने आए हैं कि वो बताएं कि किसी का सर्वे में कोई खेत को छूट नहीं गया, और जो सर्वे अलग अलग खेतों में अलग अलग हैं, जहाँ बिल्कुल ही फसल गिर करके ज़मीन पे लग गया है, वह निश्चित रूप से उसके भुट्टे जो हैं वो काफ़ी क्षतिग्रस्त हो गए हैं, अब सड़ने की स्थिति में हैं। तो ये लग रहा है कि कहीं कहीं 80% भी है। Rabindranath Tagore University, formerly known as ISECT University, the pioneers in skill development with focus on creating industry-ready professionals. Join India's premier skill-based university, Rabindranath Tagore University. संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।